हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ बैंक निफ्टी एंड सो गाइस, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया 44,409 की, जो कि कल की क्लोजिंग से है -123 पॉइंट, मतलब 123 पॉइंट। सबसे पहले सारी एनालिसिस करने से पहले मैं अपनी आज की पोजीशन दिखाता हूं आपको। सो गाइज, आज हमारा लॉस जो दिख रहा है वह 7,000 नहीं है, हमारा लॉस है 6,000 का। तो 6,000 का लॉस हमारे उस पोजीशन में हो गया था, उसमें होना था 7,400 का लॉस। तो मैंने जब एंडिंग में 2:30 या 3 बजे के करीब मैंने उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके अलावा मैं मिड कैप निफ्टी को शॉर्ट करके गया हूं, तो उसमें भी 1,100 का लॉस दिखा रहा है। अब देखते हैं वो कैसे कवर करेगा, कितना कवर होगा वो आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीक का ही है, मंडे का। मैंने इसमें लॉस इतना इसलिए ले लिया क्योंकि मेरे दूसरे वाले अकाउंट में प्रॉफिट है। बाकी कल है निफ्टी की एक्सपायरी। अब निफ्टी की एक्सपायरी हो, किसी की भी एक्सपायरी हो, एक्सपायरी डेली हो गई है, ज्यादा इन चीजों को कंसिडर करके चलेंगे नहीं हम एक्सपायरी एक्सपायरी मूव। अब ये है कि अब हम अपने प्राइस एक्शन पर ट्रेड करेंगे प्रॉपर। इधर से आप देखेंगे बैंक निफ्टी में तो यहाँ एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ जा रहा है नीचे की तरफ। हालांकि निफ्टी ने आज एक प्राइस एक्शन ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। अगर आप चार्ट खोल के दिखाई देता हूँ आपको, निफ्टी ने पूरा नीचे गया और ऊपर जाके क्लोजिंग दे 600 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव, बहुत अच्छा पॉजिटिव चल रहा है, बस बैंक निफ्टी नेगेटिव गया है। तो शायद कल पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी के अंदर रह सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट डाउन गया था, पर वहाँ से ऑलमोस्ट पर अपने डाउन से लगभग 65-70% रिकवर करके क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी ने। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ सेलिंग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो लेवल है अभी भी वही कायम रहेंगे हमारे, जब तक 45,055 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता हम ऊपर की तरफ हैवी ट्रेड नहीं लेंगे। और नीचे की तरफ हम ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक बैंक निफ्टी 43,600 के नीचे हमको क्लोजिंग नहीं दे देता। इसके बीच में बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम बिता सकता है। अब देखिए, ये छोटी से छोटी हो जा रही है रेंज, मतलब बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट पे अगर नज़र डालेंगे। हाँ देखिए, डेली रेंज देखिए, जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था। अब इस रेंज में ना कोशिश करना कि यहाँ पे आप बाइंग ना करो, क्योंकि बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। आप इधर से देखेंगे तो देखिए, यहाँ से बैंक निफ्टी इस रेंज में एंटर किया था 3 अगस्त को, और आज 6 सितंबर हो गई है, मतलब मंथ से ज़्यादा हो चुका है। और बैंक निफ्टी इस एक बड़ी रेंज के अंदर 1400 से लेकर 1600 पॉइंट की रेंज के अंदर बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। तो ये एक महीने की कंसोलिडेशन है, और आप देख सकते हो एक महीने के अंदर कंसोलिडेशन इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस रेंज के अंदर हैवी बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। मैं बाइंग अभी देखिए, आपको देख रहा होगा, मैं शॉर्ट करते हुए जा रहा हूँ, हेज लेके जा रहा हूँ, लॉस में जाएँ प्रॉफिट में जाएँ बात अलग बात है। बट जब तक एक बड़ी मोमेंटम अगर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या नीचे की तरफ नहीं मिलता है, हम अभी तक हम हैवी ट्रेड करेंगे ही नहीं। हम रुके रहेंगे, बैठे रहेंगे, हम वेट करेंगे। या तो आप सेलिंग कर सकते हैं, स्ट्रैंगल बना के चल सकते हैं, स्ट्रैंगल या सैडल कर सकते हैं, बट आपको भी हैवी बाइंग नहीं करनी है इस मोमेंट में, जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अदरवाइज इस रेंज के अंदर आप छोटे छोटे स्कैल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक ही रेंज शॉर्टन होती जा रही है। पर अगर बैंक निफ्टी कल 44,666 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है या फिर ऊपर जाता है, तो हमको 777 का भी टारगेट मिल सकता है। अगर ये 222 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमको 43,700 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, पर ये एक रेंज में ही फंस गया है। तो इधर हम वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो में से बताना चाहता हूँ कि अभी हमें बाइंग हैवी नहीं करनी है, ठीक है। डेली ट्रेडिंग ट्रेड होता है, डेली ट्रेडिंग का हमें मौका मिलेगा, बट हमको हैवी ट्रेड फिलहाल नहीं करना है, हमें शांत बैठना है। अभी जब तक बैंक निफ्टी में कुछ स्पेशल नहीं होता है तब तक हमें शांत बैठना है। अब जब कुछ स्पेशल होगा या फिर मेरे को लगता है कोई मूवमेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है, मिल गई है मूवमेंट, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। पर अभी हमें शांत बैठना है, याद रखना है। अगर एक आध दिन मूवमेंट आपसे हाथ से निकल भी जाती है तो बैठे रहना है, मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इतने बड़े रेंज में पोजिशंस क्रिएट होंगे तो ऊपर या नीचे कहीं भी निकलेगा तो एसएल तो लोगों के होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।